हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो जेएसई प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम हुआ है, हम लोग सिविक्स का आंसर की देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला 40 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन का था, उसका भी आंसर की आप लोग देख सकते हैं, डाल दिया गया है। और 41वां क्वेश्चन से सिविक्स शुरू हुआ था, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी थी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन ने। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। तो सीमित मत प्रणाली जो है ये आपका अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर पूछा था, निम्न में से किस एक को हस्तक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है। तो व्यक्तिवाद को, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर पूछा गया था, जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था। तो ये 24 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 पूछा गया था, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के सदनों के मध्य गतिरोध हो तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पीकर, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया था, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो ये विचार दिया था डी टॉकविले ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया था, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। तो समझौते के ऊपर संप्रभु था, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई थी। तो ये 1909 में, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। तो ये कार्ल पॉपर ने कहा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह किसने कहा था। तो ये ग्रीन ने कहा था, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है, यह राजनीति नहीं जो जाति ग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये था रजनी कोठारी का, इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं एम एन श्रीनिवासन भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे ए और सी में कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका सी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। अगला है, 52 नंबर, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या अर्थ है। सरकार की किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संप्रदायों को वितरण, कागज़ सहित कार्यालय, पारदर्शितापूर्ण तथा पारदर्शी कार्य। तो ये सभी हैं ई गवर्नेंस का अर्थ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में किसमें दल बदल विधेयक अधिनियम संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे दल बदल विधेयक किसमें है, तो ये 10वीं अनुसूची में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो मॉरिशस ये सार्क का सदस्य नहीं है। 55 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है। तो यहाँ पे 55 में आपका हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर है, स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग जानते होंगे लॉर्ड रिपन को, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 57 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दो पुस्तकें थे, लेखक था, इसमें मिलान करना था। तो इसमें से आपका जो सही हुआ था बी हो जाएगा। सोशलिज्म एक किसका था, तो सोशलिज्म था बर्नार्ड का, ठीक है, सोशलिज्म बर्नार्ड क्रिक का था, यहाँ पे ए में 4 हो जाएगा। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये किसका था, तो ये था आर ए डहल का, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी ये किसका था, तो ये हो जाएगा टीबी बेट्टोमोर का था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिक्स थियोरी, तो ये डी में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
4321। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है, नहीं पूछा गया था प्रश्न में। तो ये संघात्मक संरचना जो है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। तो आप लोग जानते होंगे 20 और 21 को। प्रश्न बहुत ही आसान आए हैं और कटाव भी बहुत हाई जा सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 60 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 क्वेश्चन पूछा था, किसने कहा है कल्याणकारी राज्य एक साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित के मध्य एक समझौता है। तो ये कांत ने कहा था। तो यहाँ पे आपका सी नहीं, हॉफमैन ने कहा था, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर पूछा था, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन से त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे सूची पद्धति ये आपका त्रुटिपूर्ण है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी। तो हम लोग पढ़े भी थे, तो ये फाइनर ने कहा था दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर पूछा गया था, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस के द्वारा किया गया था। तो 64 नंबर आपका सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विषय में मानव को भ्रष्ट कर दिया है। तो ये कहा था आपका रूसो ने, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। तो ये केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद राज्यसभा के बाद जो है तब लोकसभा में लाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य तुलना किससे की गई है, कौटिल्य की तुलना किससे की गई है। तो ये मैकियावेली से की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि। तो राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त किया कि नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया। तो ये किया गया था 1977 से, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था। तो ये है आपका द पॉलिटिकल सिस्टम में, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है, तो किसमें। तो ये संसद में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में 51 के क में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिग्वी ली थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर है, दी मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। दी मॉडर्न स्टेट, तो ये माइक आइवर की लिखी हुई पुस्तक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत, तो आप लोग जानते होंगे दैवी सिद्धांत, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ही थे कि सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। 78 नंबर क्वेश्चन था, इसमें दो सूची दिया हुआ था, इसको मिलाना था। तो जनता दल की स्थापना कब हुई थी, तो जनता दल की स्थापना हुई थी आपका 1988 में,
उसके बाद साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी आपका 1925 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो 1885 में। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, तो क्यूट नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब राष्ट्रपति ने किस तिथि को इसको स्वीकृति प्रदान की थी, किस तिथि को? तो 9 अगस्त 2019 को। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये कथन अरस्तु का था, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है, नहीं पूछा है प्रश्न में। तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ये अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं था, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर पहले आंध्र प्रदेश बना था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है फ्रांस, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ऑस्टिन था, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ 85 नंबर पूछा गया था, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक किसको माना जाता है? तो ये जॉन लॉक को, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? तो सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं वो प्राकलन समिति होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, एक कथन ए है, दूसरा कथन कारण है। तो कथन में कहा था 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संघीय शक्ति को प्रभावी कमी देखी गई थी, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण में दिया था कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं, जो रबर स्टैंप की तरह कार्य करती हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें ए और दो दोनों सही है, परंतु ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें आंसर ए भी लगाए होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका डेविड ईस्टन का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? तो ये है आपका बोडो, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड एक के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो एक वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य को मानते हैं? तो समाजवादी राज्य को जो है एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1919 के अंतर्गत हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी, केवल शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो 21 का ए शिक्षा से संबंधित है। अगला है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लास्की ने, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तोहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग सैयद अहमद खान लगाए होंगे, ये आंसर गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में दो सूची दिया गया था, लेखक पुस्तक इसको मिलान करना था। तो पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ये किसकी रचना थी, तो ये थी एच लासवेल की। तो यहाँ पे ए में दो, यहाँ पे देख सकते हैं ए में दो, सी में तुरंत आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये किसकी थी, तो लास्की थी, लास्की की थी। ए द मॉडर्न स्टेट इस किसका था, मैकाइवर का था। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑन गवर्नमेंट ये फाइनर का था। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो कौन सा, गांधी इरविन समझौता 1930 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। अगला है, निम्न में से किसने कहा पृथ्वी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये हीगल ने कहा था, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, तो यद्भावम एक मार्क्सवाद से नहीं, ये बहुलवाद से, हम लोग पढ़े थे लास्ट प्रैक्टिस सेट में, ये बहुलवाद से संबंधित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो आप लोग जानते होंगे 51 अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, निम्न में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है, तो उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, बिहार में, कर्नाटक में, तेलंगाना में विधान परिषद है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है पूछा है प्रश्न में, तो भारत की राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये संविधान की विशेषता, संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह किसकी परिभाषा है, तो ये थी मिटलैंड का, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है, तो प्राकृतिक अवस्था का क्या आशय है, राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएँ, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, तो ये है 249 के तहत, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 है, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो ये किया था स्टालिन ने, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है किसने कहा था, तो ये ग्रीन ने कहा था, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक किसने माना था, तो ये माना था लास्की, इसमें कोई नहीं है, तीनों में कोई नहीं है, आप जान लीजिए डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, 52वां है दल बदल, 73वां पंचायती राज, 84वां केंद्र राज्य, तो यही आपका गलत हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला सही सुमिलित नहीं है, यहाँ पे डी वाला सुमिलित नहीं है, 84वां संविधान संशोधन ये केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है, तो ये है विभाज्यता, ठीक है, संप्रभुता की विशेषता के लिए विभाज्यता नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है,
तो कभी कभी इसको सूकर दर्शन भी कहा जाता है, सूअर दर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 नंबर है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है। अगला है कि इसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है, तो ये कथन था लॉर्ड एक्टन का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पब्लिक ओपिनियन की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक थे वाल्टर लिपमैन, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सामान्य अध्ययन का भी आंसर की डाल दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं।